नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहत। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की राजनीति से है। आपको बता दें कि योगी कैबिनेट में जिस तरीके से पिछले 3 दिन से उथल पुथल चल रही है, अब उसमें सबसे बड़ा ट्विस्ट आया है और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली दौरे पर हैं और यहां पर वो केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात करेंगे। आप समझ सकते हैं कि उनका दौरा कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि इन 3 मंत्रियों से पहले अगर सबसे ज्यादा किसी की नाराजगी सरकार से रही है तो वो केशव प्रसाद मौर्य ही रहे हैं। वो चाहे पिछली सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्रालय संभालते हुए रहा हो या फिर चुनाव हारने के बाद रहा हो, केशव प्रसाद मौर्य हमेशा से योगी सरकार के कह सकते हैं कि महत्वाकांक्षाओं को अपनी लेकर हमेशा से अलग ही दिखे हैं। अब ऐसे में वो केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात करने आ रहे हैं तो बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या वो 3 मंत्री जो कि इस वक्त नाराज चल रहे हैं उन्हीं के साथ अपनी भी बगावत दर्ज कराने आ रहे हैं दिल्ली? क्या वो सीएम योगी आदित्यनाथ की शिकायत करने के लिए इन्हीं 3 मंत्रियों के बीच में आ रहे हैं? ये सब तमाम सवाल हैं। आपको बता दें कि जब से सरकार आई 2017 याद कीजिए, तो केशव प्रसाद मौर्य एक वक्त मुख्यमंत्री बनने की रेस में आगे चल रहे थे, लेकिन अचानक से उनका नाम पीछे हो जाता है, मनोज सिन्हा का नाम आगे आता है, फिर मनोज सिन्हा भी नहीं बनते हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ बनते हैं। और जब योगी आदित्यनाथ कुर्सी पर बैठते हैं तभी से अपनी महत्वाकांक्षाओं को मारकर केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम का पद संभालते हैं, ऐसा उत्तर प्रदेश की राजनीति में हमेशा से कहा गया। दूसरी सरकार आई तो वो चुनाव भी हार गए और जब सपा की पल्लवी पटेल से हारे तो ऐसा लगा कि उनको डिप्टी सीएम भी नहीं बनाया जाएगा, लेकिन दूसरी सरकार में उन्हें डिप्टी सीएम का पद दिया गया। इसके अलावा मंत्रालय भी मिले, लेकिन जो सबसे ताकतवर मंत्रालय पीडब्ल्यूडी रहा वो छीन लिया गया, जितिन प्रसाद को उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई। ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य अंदर खाने कहीं ना कहीं नाराज चल रहे थे और अब जब 3 मंत्री दिनेश खटिक, उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक, इसके अलावा जितिन प्रसाद जो कि नाराज चल रहे थे, उसी बीच अब यह खबर आ रही कि केशव प्रसाद मौर्य भी दिल्ली आएंगे, क्योंकि ये 3 मंत्री बारी बारी से दिल्ली आएंगे। इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ को भी दिल्ली बुलाया गया है, केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें तलब किया है कि जो भी उठापटक चल रही है उसको संभाला जाए और सरकार ठीक ठाक चलाई जाए। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद प्रचंड बहुमत के साथ योगी आदित्यनाथ की वापसी हुई थी। 10 मार्च को जब चुनावी नतीजे आए थे तो बीजेपी ने शानदार जीत दर्ज की थी, उसके बाद कैबिनेट का विस्तार हुआ था और अप्रत्याशित तरीके से कैबिनेट का विस्तार हुआ था, पीडब्ल्यूडी मंत्रालय केशव प्रसाद मौर्य से छीन लिया गया था, हालांकि चुनाव हारने के बाद भी डिप्टी सीएम उन्हें बनाए रखा गया था। इसके अलावा बृजेश पाठक को उप मुख्यमंत्री बनाया गया, स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय में बिना उनकी जानकारी के तबादले हुए, जिसके बाद से वो भी नाराज चल रहे हैं। पीडब्ल्यूडी मंत्रालय दिया गया जितिन प्रसाद को, जो कि कांग्रेस से आए थे, अपने ओएसडी को लेकर आए थे और फिर पता लगा कि घोटाला सामने आ रहा है, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनके ओएसडी को तत्काल प्रभाव से हटा दिया। और इसी बीच जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटिक ने यह कहते हुए सरकार पर आरोप लगा दिया कि दलित होने के नाते उनकी उपेक्षा हो रही, हालांकि उन्होंने बाद में बयान दिया कि योगी सरकार से वो नाराज नहीं है, जबकि प्रशासन और अधिकारियों से नाराज चल रहे हैं। फिलहाल इसी उठापटक के बीच दिनेश खटिक ने जेपी नड्डा से मुलाकात की, उसके बाद खबर ये आई कि केंद्रीय नेतृत्व ने सीएम योगी आदित्यनाथ को तलब किया है और पूरे मामले की जानकारी लेना चाहते हैं। हालांकि जेपी नड्डा से जब दिनेश खटिक ने मुलाकात की थी तब जेपी नड्डा ने साफ कह दिया था कि आप जो भी बातें हैं वो केंद्रीय नेतृत्व को बताइए, कैबिनेट में जाकर उसकी चर्चा कीजिए, अपने मंत्रियों से बातचीत कीजिए, लेकिन पब्लिकली इस तरीके से आप बातें सामने नहीं ला सकते हैं। हालांकि इन सब के बीच अब केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात करने के लिए यूपी के बड़े नेता आ रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य आ रहे हैं, सीएम को खुद तलब किया गया है, बृजेश पाठक जो कि दूसरे डिप्टी सीएम है वो भी आ सकते हैं, दिनेश खटिक, इसके अलावा जितिन प्रसाद भी केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात कर सकते हैं, दिनेश खटिक तो कर भी चुके हैं। तो ऐसे में यूपी की कैबिनेट में जो उथल पुथल चल रही है उसे संभालने के लिए सबको बुलाया जा रहा है, कि जो बड़े मंत्री हैं, 5 बड़े मंत्री जो हैं यूपी सरकार में, उन सबको बुलाया जा रहा है। फिलहाल देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है, लेकिन जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य ने इस वक्त ये रुख अपनाया है कि वो दिल्ली पहुंचकर अपने बड़े शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगे, उसके बाद से कयास यही लगाए जा रहे हैं कि क्या योगी सरकार के खिलाफ वो भी मोर्चा खोलने वाले हैं। देखना होगा कि आगे क्या कुछ होगा। जो भी अपडेट होगी आपको यूपी राजनीति से जुड़ी हुई, योगी आदित्यनाथ के कैबिनेट से जुड़ी हुई पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल अब नजरें दिल्ली पर टिकी हुए हैं कि वहां से क्या कुछ फरमान जारी किया जाता है।